एक इंसान को या एक मर्द और एक औरत को शादी की ज़रूरत क्यों है, या एक साथ रहने के लिए एक इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत वो शादी क्यों करता है या शादी क्यों करती है। इस्लाम इसके मुख्तलिफ वजूहात बताता है। सबसे पहली वजह कि शादी के ज़रिए, निकाह के ज़रिए एक इंसान का ईमान मुकम्मल होता है। अल-मुअज्जमुल औसत लित्तबरानी की रिवायत है, हदीस नंबर 7647 सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा शादी कर लेता है, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ दीन, तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, तो वो बकिया आधे हिस्से में अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरता रहे। पता ये चला कि इंसान, एक मुसलमान जब शादी करता है तो शादी के ज़रिए उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। दूसरा जवाब या दूसरी वजह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलता है। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1846 हसन दर्जे की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह ये मेरी सुन्नत है। और सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, बल्कि आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल आए, अल्लाह ने उनके ताल्लुक से कहा, सूरतुर रअद की आयत नंबर 38 में, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, कि हमने आपसे पहले जितने भी पैगंबर भेजे हमने उनको बीवी और बच्चों वाला बनाया। तीसरी वजह, निकाह के जरिए इंसान के फितरी तकाजे पूरे होते हैं। एक इंसान का जिस्म, इंसान की बॉडी जिन चीजों का तकाजा करती है, शादी और निकाह के जरिए वो सारे तकाजे मुकम्मल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 में कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, एक औरत को मर्द के लिए लिबास करार दिया और एक मर्द को औरत के लिए लिबास करार दिया। यानी जिस तरीके से इंसानी जिस्म को ढांपने के लिए लिबास की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही एक मर्द को उसकी जिंदगी में एक औरत की और एक औरत को उसकी जिंदगी में मर्द की जरूरत पड़ती। वजह नंबर 4, शादी और निकाह के जरिए गुर्बत में कमी के इम्कानात पैदा होते। सूरतुन नूर सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 32 में अल्लाह कहते हैं, इन यकूनु फुकारा युग्निहिमुल्लाहु मिन फज़ले, कि अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करा दो, अगर वो गरीब हैं, मोहताज हैं, तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1655 हसन दर्जे की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 ऐसे लोगों की मदद का वादा कर रखा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और खुशी के लिए काम करते हैं। सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोगों की मदद करना अल्लाह पर यह हक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जरूर मदद करता है। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफाफ, उन तीनों में से एक वह शख्स जो निकाह करता है और निकाह के जरिए पाक दामनी हासिल करता है। पता ये चला, इंसान जब निकाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उस निकाह की बरकत से पाक दामन बना देता है और ऐसा बंदा बुराइयों से, गलत चीज़ों से अपने आप को बचा लेता है और इससे गुर्बत में कमी के इम्कानात भी पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की ज़रूर मदद करता है। वजह नंबर 5, निगाह और शर्मगाह की हिफाजत। सही बुखारी की हदीस नंबर 5066, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को मुखातब करके, तुम में से जो शादी की ताकत रखता है वो शादी कर ले, क्यों? फइन्नहु अगद्दु लिल्बसरि व अहसनु लिल्फर्ज, इसलिए कि शादी ये इंसान की शर्मगाह की भी हिफाजत करती है और निकाह के जरिए इंसान के निगाह की भी हिफाजत होती है। वजह नंबर 6, अपना तआरुफ और पहचान बरकरार रखने का सबब है। यानी जब एक इंसान निकाह करता है, शादी करता है, फिर उसके ज़रिए बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे इंसान के तआरुफ का सबब बनते हैं। यानी उस औलाद के ज़रिए इंसान के बारे में पता चलता है, फलां की औलाद है, फलां का बच्चा है, फलां की बच्ची है, और ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता है और वो बहुत पहले दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी उस समाज में, उस सोसाइटी में बरकरार रहती है। नंबर 7, औलाद का हुसूल। एक इंसान की फितरी ज़रूरियात, ख्वाहिशात में से है कि उसके पास औलाद हो, बेटा बेटी जैसी नेमत हो। और ये कैसे मुमकिन है? ये निकाह के ज़रिए मुमकिन है।
निकाह के जरिए औलाद का हुसूल मुमकिन है और ये औलाद जब नेक हो तो इंसान के लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 1631, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब मर जाता है उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय तीन के, और उन तीन तरीक़ों में से एक तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलादिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद अगर कोई दुनिया से छोड़ कर जाता है जो उसके लिए दुआ करे तो इंसान के इंतकाल के बाद भी उसके अमल का सिलसिला, नेकियों का सिलसिला बाकी रहता है। वजह नंबर 8, जिस्मानी, जहनी, जिंसी और हर तरह का सुकून निकाह के अंदर पोशीदा है। वरना जो लोग बगैर शादी, बगैर निकाह, बगैर मैरिज के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी जो दूसरी जबान में आप कहें अच्छा नाम देने से हराम हलाल नहीं हो जाता, जो जिनाकारी करके जिंदगी गुजारते हैं गरचे वो रजामंद हो, खुश हो, अगर दो लोग किसी चीज पर खुश हो जाएं और वो चीज हराम हो तो दो लोगों की रजामंदी से वो हराम चीज हलाल नहीं हो जाती है। जो लोग इस तरीके की जिंदगी गुजारते हैं ना, जिनाकारी लिव इन रिलेशनशिप वाली, आप उनका जहन चेक करें कि उनका जहन किस कदर बिगाड़ का शिकार होता है, सुकून नहीं होता। वो जिनाकारी कर ले, जिनसी ख्वाहिशात को पूरी कर ले, लेकिन उनका जमीर अगर जिंदा है तो उनको कचोके लगाता रहता है। उनका एहसास जो है वो या तो मर चुका होगा या तो उनका एहसास उन्हें ठोके लगाता रहता है कि तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन निकाह, शादी, इंसान अलल एलान जिंदगी गुजार सकता है, खुशी खुशी सर उठाकर चल सकता है किसी भी औरत के साथ जो उसकी बीवी है, जिसके साथ उसने शादी की है, निकाह किया है, वो अपनी बीवी के साथ कहीं भी जा सकता है। वरना एक आम आदमी अगर किसी लड़की के साथ जा रहा हो तो पूरा समाज थू थू करता है उस पर कि ये इसकी बीवी नहीं है, इसकी निकाह में नहीं है और ये इसके साथ घूम रहा है, गुलछड़े उड़ा रहा है। कोई भी समाज ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझता है। तो जिस्मानी, जहनी, जिंसी और हर तरह का सुकून इस निकाह के अमल में पोशीदा है। सूरतुर रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह कहते हैं, उमिन आयात ही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ने कहा उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि उस जोड़े के जरिए तुम सुकून हासिल कर सको। पता चला कि एक मर्द या औरत के लिए असली सुकून जो है, चाहे जिस्मानी हो, जहनी हो या इसी तरीके से और किसी भी तरह का सुकून हो, वो उसके अपने पार्टनर में है, जो पार्टनर निकाह के जरिए उसकी जिंदगी में आया है या आई है। नंबर 9, बीवी नेक हो तो दुनिया का सबसे अच्छा सामान, अद्दुनिया कुल्लुहा मता वखैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, पूरी दुनिया को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान करार दिया और इन तमाम सामानों में सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत को करार दिया। यानी अगर कहा जाता है हमारे समाज में कि अगर औरत नेक है तो वो पूरे घर को जन्नत बना देती है, लेकिन अगर वही औरत बुरी हो तो पूरा घर जहन्नम बनकर रह जाता है। और आखिरी सबब जो आपके सामने बयान करना है कि एक इंसान निकाह क्यों करता है, निकाह की ज़रूरत क्यों है, इसलिए कि निकाह के ज़रिए उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। एक लड़का जो नौजवान है, जो 20, 22, 25 साल का हो चुका है, वो शादी से पहले किसी और तरह की जिंदगी गुजारता है, बाप के माल पर ऐश करता है, गुलछर्रे उड़ाता है और जो चाहता है वो करता है, लेकिन निकाह के बाद वो सीरियस हो जाता है, उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है, शुरूर बेदार होता है कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है बल्कि इस लड़की के लिए जो निकाह के जरिए मेरी जिंदगी में आई है इसके लिए जीना है। और फिर इन दोनों के मिलाप से अगर कोई लड़का या लड़की उनके यहाँ पैदा होते हैं तो उन उस औलाद के लिए ये लड़का या ये लड़की ये अपना एहसास बेदार रखते हैं, शुरूर बेदार रहता है कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है बल्कि अपनी औलाद के लिए भी जीना है, और हलाल तरीके से फिर वो माल कमाने की और जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 जवाबात, 10 वजूहात, 10 असबाब मैंने आपके सामने रखे कि एक इंसान को शादी की जरूरत क्यों है, क्यों वो खुशी खुशी किसी भी लड़की के साथ जो उसको पसंद आ जाए वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। और वैसे भी अगर आप देखें उस लड़की की बात के हवाले से मैं अगर सवाल करूं कि मतलब अगर कोई एक ही औरत या लड़की दो लोगों को पसंद आ जाए तो क्या होगा,
क्या होगा? मतलब यह है कि फितना होगा, फसाद होगा, बिगाड़ होगा, कत्ल होगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, गालियां होंगी। क्यों? इसलिए कि एक ही लड़की दोनों को पसंद आई। ये रोजे अव्वल से ही ये कानून है अल्लाह का कि बगैर निकाह के कुछ नहीं हो सकता। वरना आप देखें हजरत आदम अली सलातु व सलाम के दोनों बेटे में जो लड़ाई हुई काबिल और हाबिल के दरमियान, हजरत आदम अली सलाम को अल्लाह ने कानून दिया कि हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई है उसके साथ काबिल शादी करेगा और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई है उसके साथ हाबिल शादी करेगा। लेकिन काबिल को यह बात अच्छी नहीं लगी, बल्कि अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से, जो अगर आप कहें कि ओरिजिनल बहन थी, उसकी असली बहन थी, यानी उस जमाने के हिसाब से, उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह के कानून के खिलाफ था। अल्लाह के कानून को काबिल ने तोड़ा, नतीजा उसका भयानक हुआ कि उसने अपने भाई का कत्ल किया और भाई के कत्ल के बाद उसको पछतावा हुआ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कत्ल के बाद, वो पहला कत्ल था दुनिया का, उसके बाद जो भी कत्ल होगा उसका एक हिस्सा गुनाह काबिल के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। ये सजा है अल्लाह के कानून को तोड़ने का, अल्लाह की बनाई हुई लिमिट को पार करने का। अल्लाह ने निकाह का, शादी का और ये जो हमारे यहां ये ब्याह का होता है मसला, ये अल्लाह ने कानून दिया, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, जिंदगी सलामत रहेगी। वरना आप अपनी मर्जी से गुलछर्रे उड़ाओ, जो पसंद आ जाए उसके साथ जिंदगी गुजारो, तो उसे आप कोई भी नाम दे दो, वो जिना है और जिना शरीयत में हराम है। दो लोगों के रजामंद हो जाने से कोई भी चीज जो हराम है वो हलाल नहीं हो सकती। उम्मीद की ये मैसेज, ये पैगाम आप तक पहुंच गया होगा कि एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए निकाह, शादी या ब्याह क्यों जरूरी है, क्यों महर की जरूरत पड़ती है, क्यों एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिस पर दस्तखत हो और जिस पर वली की रजामंदी हो और जिस पर साइन किया जाए, दस्तखत किया जाए। आप तक ये पैगाम पहुंचाया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस्लामी कवानीन पर अमल करने और कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।